हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाज और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल वांटेड गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में मेरे पास है यहाँ पे इंटेक्स का एक मोबाइल फ़ोन इंटेक्स एक्वा पार प्लस। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पोस्टमार्टम करने वाला हूँ कम्प्लीटली इस फ़ोन का, बताने वाला हूँ आपको कि भैया फ़ोन किस चीज़ का बना होता है, कैमरा कहाँ पर बिल्ड होते हैं और यहाँ पे स्क्रीन किस चीज़ से बनी हुई थी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा ऊपर यहाँ पे फ्रंट कैमरा की जगह, जहाँ मैंने इस कैमरा निकाल लिया हुआ है गाइज। नीचे आपको कुछ यहाँ पे वायरिंग वगैरह मिल जाती है, जो कि दरअसल रियल में है चीज़ का। ये वायरिंग जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं सर्किट वगैरह हैं, जो कि हमारे मेन कैमरा को कनेक्ट करते हैं, हमारे मदर पैड के साथ में हमारी बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, हमारे फ़ोन को काम कराने के लिए, एक्टिव कराने के लिए। तो मैं स्क्रीन के पास लाता हूँ, आप देखिए कुछ नंबरिंग है, तो ये कुछ वायर्स भी इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो ये सर्किट है, इसको साइड छोड़ते हैं फटाफट से। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने रिमूव कर दिया, करा दिया। रिमूव करने के बाद ये देखिए इस तरह से था, इसको मैंने जो है वो रिमूव कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रीन मिल जाती है, जो कि हमारी मेन स्क्रीन होती है, किस चीज़ से बनी हुई होती है। तो इसको जो है निकालते हैं ऊपर से, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको ओके, बहुत ही क्लासी यहाँ पे फिनिश है। तो ये हमारा एक चीज़ हो गई, इसको फटाफट से बैक कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे और कुछ यहाँ पे बहुत ही पतली पतली शीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, दो तीन शीट्स। नीचे हमारा मेन जो है ग्लास है, जो कि जिस ग्लास को हम टच करते हैं उसके ग्लास के ऊपर बाकी की चीज़ें जो है लगी होती हैं, जो कि बहुत ही शाइनी हमें पीछे की साइड से लुक देता है। आप देखिए यहाँ पे फ्लैश की सरा से बज रही है लाइट, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल की आपको मिल जाती है यहाँ पे मतलब शाइन। तो ये कुछ शीट्स हैं जो कि जिससे हमारी स्क्रीन बनी हुई होती है। शीट्स के बेस के ऊपर आप देखेंगे अगर ध्यान से, इसको मैं एक बार इससे एक और यहाँ पर सर्किट है इससे इसको मैं एक बार अलग कर देता हूँ जल्दी से। तो ओके यहाँ पे मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये जो ये सर्किट है ये हमारे हर एक शीट्स को दूसरी शीट से मिलते हैं। तो ये हमारे तीन शीट्स हैं जिनके नीचे में कुछ और वायरिंग लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बेस के ऊपर और कुछ वायरिंग लगी हुई है, जो कि ये देखिए जो कि हमारे स्क्रीन स्क्रीन को जा कर के कनेक्ट करते हैं हमारे मतलब मदर पैड के साथ में। तो ये हमारा ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि बाहर से थोड़ा सा हार्ड आपको कह सकते हैं। इसके नीचे एक और शीट है जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी है और बहुत ही नरम शीट है। यही शीट जो होती है मेन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारी ब्राइटनेस वगैरह आती है उसके। तो ये जो नीचे वाला है तो ये थोड़ा सा हार्ड आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल शीट नहीं है, तो शीट की तरह मगर हार्ड बहुत ही ज़्यादा है, आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा हार्ड चीज़ आप कह सकते हैं। तो बाकी यही हैं जो कि चीज़ें आपको दिखा दी हैं मैंने, स्क्रीन किससे बना हुआ होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा था। ये हमारे दो कैमराज गाइस, ये है फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का इस फ़ोन का, जिसके नीचे आपको देखेंगे छोटे छोटे से पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो कि हमारे कैमरा को कनेक्ट करते थे हमारे मदर पैड के साथ। यहाँ पे स्पेस में ये कनेक्टिव ट्रिक्स थे। तो ये है हमारा जो रियर कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, तो इसके नीचे लिखा हुआ है V1। तो ये कुछ हैं हमारे पास, ये कैमरा सिचुएटेड होता है उसके पीछे मतलब स्क्रीन मोबाइल के पीछे, और ये मदर पैड से कनेक्टेड हुआ होता है। ये हमारा मेन मदर पैड जिसमें आपको यहाँ पे सिम देखने को मिल जाती है, ये देखिए ये कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, ये देखिए जगह मिल जाती है जहाँ पे आप सिम डाल सकते हैं, यहाँ पे SIM 1 डाल सकते हैं, और मिल जाता है आपको यहाँ पे मतलब हमारा SIM 2 का यहाँ पे मिल जाता है स्लॉट। आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, आपको यहाँ पे मिल जाता है इस साइड पे मतलब पिंस मिल जाती हैं जो कि बैटरी से कनेक्ट होती हैं। तो यह है इंटेक्स का, यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इंटेक्स पावर एक्वा पार प्लस। तो इसको छोड़ते हैं साइड पे। यह है हमारा और ऊपर वाला हिस्सा, जो कि बैटरी हमें इंटेक्स एक्वा प्लस की कितने mAh की है, ओके 4000 mAh की है। पॉलीमर बैटरी, रिमूवेबल बैटरी है, इसलिए हमें बिल्कुल क्लीन बैटरी मिल रही है 4000 mAh की। तो ये है हमारा ऊपर वाला हिस्सा, ये बैक कैमरा की जगह है, आप देखिए जहाँ से मैंने बैक कैमरा निकाल लिया। नीचे फ्लैश भी है और ये फ्लैश को भी मैंने निकाल दिया है गाइस। तो यही है हमारे पास मेन फ़ोन, यही ऐसे ही फ़ोन होता है, यही चीज़ें हैं स्क्रीन को बनाने के लिए जो काम आती हैं। ये कुछ प्लेन शीट्स, शाइनी शीट्स होती हैं। सबसे पहले ये ग्लास है जो कि अभी टूट चुका है फिलहाल इस कंडीशन में, क्योंकि मैं इसको ओपन कर रहा था, क्योंकि ये दोबारा रीबाइंड तो होने वाला नहीं है फ़ोन जिस तरीके से मैंने इसको ओपन किया गया। कुछ मैं प्रोफेशनल काम तो नहीं कर रहा था, मगर मैंने इसको जल्दी से ओपन किया, मेरे को क्यूरियोसिटी थी आपको बताने की, ख़ुद से जानने की कि भाई आखिर रियल में हमारी जो स्क्रीन है वो बनी किस चीज़ से होती है। हार्ड है, आप इसको यहाँ पर जो आयरन के साथ में टच कर रहा हूँ तो आवाज़ से पता चल जाता है।
तो ये कुछ और शीट्स हैं, बहुत ही पतली पतली शीट्स। नीचे यहाँ पे कुछ वायर्स लगी हुई हैं, बहुत ही पतली पतली वायर जो कि कनेक्ट करती हैं। तो इसको आप इस तरह से रखें, उसके ऊपर आपको एक और प्लेन शीट मिल जाती है बहुत ही पतली, जो कि हमारी ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, स्क्रीन की ब्राइटनेस को। तो इसको हम ज़रा बिल्कुल सही पोजीशन पर रखते हैं। ऊपर आता है हमारा ये थोड़ा सा हार्ड वाला जो चीज़ है, स्टील की आप कहें तो ये चीज़ें। तो इस तरह से हमारा जो है स्क्रीन बनी हुई होती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर से आई होगा पसंद आपको। अगर आ चुका है अभी तक तो अभी 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 ये जाए लाइक कर दीजिए, अभी ही शेयर कर दीजिए गाइस वीडियो को। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पीछे वाला हिस्सा भी लगा दिया है इसका। तो इस तरह से आपको कुछ स्क्रीन मिल जाती है गाइस। ऊपर वाला हिस्सा आप देखिए तो यही है, कुछ खास इतना था नहीं, मगर आपको बताने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को, तो मैंने यार आपको ये बताना ज़रूरी समझा। तो ये बैक कवर है, मैं इसको दोबारा से इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होगा तो नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर किस तरह से जो है सिचुएटेड होती हैं कि सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप मिल जाती हैं ये चीज़ें कैमरा के उस स्क्रीन उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो बैक कवर लगा हुआ है। ये अभी फ़िट तो नहीं होगा, इसको बाद में फ़िट कर दूंगा अगर होगा तो। फ़ोन तो चलेगा नहीं है, किसी काम का फ़िलहाल रहा नहीं है। तो ये कुछ और वायरिंग वगैरह है, कुछ और सॉफ्टवेयर हैं, जो सॉफ्टवेयर देखने को बहुत ही छोटे हैं मगर इनमें जो वायरिंग सिस्टम है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। यहाँ पे जगह कम लेता है, काम कमाल के करता है। हमारे मदर पैड को, जो हमारा मेन मदर पैड है, उसको मतलब कनेक्ट करके रखता है फ़ोन की बाकी चीज़ों के साथ में। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए यार। और भी वीडियो में है चैनल पर, आप देख सकते हैं जा करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।